पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय एक। उनचालीसवां श्लोक। यज्ञाते तौदिते पुत्रौ दैत्यदानववंदितौ हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंहरूपिणां हिरण्याक्षो धरोद्धरे बृहतासौकरं वपुः हिरण्यकशिपुपुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नानायातना मृत्युहेतवे नारायण। सनंदनादि ने जय विजय को शाप दे दिया। उनके शाप के वशीभूत जय विजय तत्काल वैकुंठ से नीचे गिरने लगे। तब सनंदनादि के हृदय में करुणा का उदय हुआ। उन्होंने अपने शाप में संभावित शोधन करते हुए कहा, तीन जन्मों में हमारे शाप को भोग कर तुम पुनः वैकुंठ में आ जाना। शाप की विचित्र गाथा है। यदि कोई शाप देता है, सामने वाला इतना समर्थ है कि उस पर वह शाप कारगर नहीं होता तो देने वाले की अधोगति हो जाती। शाप दे करके व्यक्ति उतने अंशों में उसका शोधन कर सकता है जितना शाप में छिद्र है, अधिक अंश में वह भी शोधन नहीं कर सकता। बहुवचन का प्रयोग करते हुए शाप दिया था,
तो संस्कृत में बहुवचन की पूर्ति तीन से हो जाती है। सैकड़ों जन्म जय विजय को प्राप्त हो सकते थे साप के वशीभूत होकर, लेकिन बहुवचन की पूर्ति तीन से हो जाती है संस्कृत में। अतः उन्होंने कहा तीन जन्मों के बाद तुम पुनः वैकुंठ में आ जाना, अर्थात वैकुंठ की पुनः तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि शाप हो या वरदान, शब्द का ही विलास है। भगवान के विविध अवतार होते हैं, अवतार के निमित्तों का हेतुओं का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, लेकिन आगे कहा इदमित्थम कही जात न। इसी कारण से भगवान का शाप अवतार होता है, जन्म होता है, दिव्य प्रादुर्भाव होता है या नहीं कह सकते। हमने विचार किया तो भगवान के अवतार में भी हेतु शब्द ही सिद्ध है, क्योंकि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, शब्दे परे च निष्णाते आदि वचनों के अनुसार भगवान की अभिव्यक्ति में शब्द ही हेतु है मुख्य। इदमित्थम इतना ही कह सकते कि वरदान मूलक या शाप मूलक भगवान का अवतार होता है। वरदान भी शब्दात्मक है, शाप भी शब्दात्मक है। अब भगवान को शाप कौन दे सकता है, लेकिन नारद जी जैसे व्यक्ति दे देते हैं। कामना पर विघात होने पर व्यक्ति के हृदय में को क्रोध उत्पन्न होता है। दैहों साप की मरिहों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी का वचन शिव पुराण आदि के आधार पर रामचरितमानस में गुम्फित है। मैं शाप दूंगा, समर्थ हैं, यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मर तो सकता ही हूँ, आत्महत्या कर लूँगा। आखिर इनसे भूल क्या हुई कि अपने इष्ट को ही शाप दे दोगे। जगत मोरी उपहास कराई, जगत में विकृत आकृति देकर मेरा उपहास करा दिया। इसका अर्थ है कि जीव बहुत विकट होता है, अपने इष्ट को भी नहीं छोड़ता। औरों को क्या छोड़ेगा, जीव बहुत विकट होता है। जब नारद जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति भगवान को भी श्राप दे सकते हैं, भगवान के लिए ही जिनका जीवन है वे भी कामना में ठेस पहुंचने पर, भगवान तो किसी की कामना में ठेस पहुंचाते नहीं, अगर पहुंचाते हैं तो हित की भावना से। इसलिए प्रतर्दनोपाख्यान है कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। प्रतर्दन ने कहा देवराज इंद्र से कि आप मुझे वरदान देने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मैं मर्त्यलोक का प्राणी हूँ, क्या पता वरदान के नाम पर जो मैं भावना व्यक्त करूँ मेरे लिए वो शाप हो जाए। एक दिन हमने बताया था 8वीं कक्षा में एक द गोल्डन टच शीर्षक अंग्रेजी में निबंध था। एक व्यक्ति ने यक्ष को सिद्ध किया। यक्ष ने कहा वर मांगो, उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया,
जिसको छूं वो स्वर्ण हो जाए सोना हो जाए। यक्ष ने कहा बहुत अच्छा कि वार को छुआ सोना, भवन को छुआ सोना, बेटी को छुआ सोना, पत्नी को छुआ सोना, सोना ही सोना, अब बेटी लोगे या सोना। बेटी का महत्व ज़्यादा है या सुवर्ण का? पत्नी अगर छूते सोना हो जाए तो पत्नी का महत्व ज़्यादा हुआ या सुवर्ण का? यहाँ तक तो ठीक है, पानी को छुआ तो सोना, सोना पियो सुवर्ण जल। रोटी को छुआ तो सोना, वरदान ही विपत्ति का रूप धारण किया या नहीं? इसलिए जीव अपनी संकुचित बुद्धि की सीमा में जिसे जिसे मारक नहीं तारक समझता है, विचार करने पर वह मारक बन जाता है तारक, वरदान जिससे समझता है वह शाप बन जाता है। प्रतर्दन ने कहा कि आप तो वरदाता हैं, समर्थ हैं, तत्वज्ञ भी हैं, मैं आपसे कुछ मांगूं वो वर मेरे लिए शाप हो जाए, तो अच्छा यही है कि मेरे लिए और जितने प्राणी हैं सबके लिए जो हिततम तत्व है उसका उपदेश कीजिए। इंद्र ने कहा हिततम तो मैं स्वयं हूँ, अर्थात वो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मात्म तत्व ही हित तत्व है, हिततम तत्व है, उसी का उपदेश किया। तो प्रतर्दन राजा भी इंद्र के अनुग्रह से ब्रह्मनिष्ठ हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार वर मांगता है, कभी कभी वर शाप का रूप धारण कर लेता है, अधिकांश सही होता है। तो मैंने विषय उपस्थापित किया कि नारद जी के शाप को स्वीकार कर लिया भगवान ने, आखिर वो लीला पुरुषोत्तम ठहरे, मर्त्यलोक में जन्म लेना ही था, अपने शापित भक्तों का उद्धार करना ही था, तो नारद जी के शाप के निमित्त सही। तुलसीदास जी महाभाग ने जो यह भाव व्यक्त किया कि इदमित्थम कहीं जात न, भगवान के अवतार के बहुत से हेतु हैं लेकिन अमुक हेतु से ही भगवान जन्म लेते हैं, ये नहीं, अनेक जन्मों का उन्होंने वर्णन किया। एक जन्म में इस हेतु से भगवान का अवतार हुआ, एक बार इस हेतु से भगवान का अवतार हुआ, एक बार इस हेतु से भगवान का अवतार हुआ, एक बार भगवान ने इस हेतु से जन्म लिया। तो मैंने विचार किया कि सब में अनुगत सिद्धांत किया है, शब्द शाप भी शब्द है, वर भी शब्द है, शब्द ब्रह्म ही पर ब्रह्म का भी व्यंजक हो सकता है, सारी सृष्टि तो शब्द का खेल है, संकल्पात जायते सृष्टि ही। संकल्प क्या है जी? ज्ञान और शब्द का समवेत स्वरूप ही संकल्प होता है। पूरा अंतःकरण क्या है? संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण, अहंकार, ये सब क्या हैं? शब्दात्मक ही हैं और ज्ञानात्मक ही हैं। ज्ञान और शब्द दोनों मिलकर के संकल्प बना, ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप ही विकल्प है, निश्चय है, स्मरण है, अहंकार है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके, यह शब्दानुगमाद्रिते व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है वाक्यपदीयम, उसका यह वचन मुझे बहुत प्रिय है, साल में 5-7 बार इसका प्रयोग करता हूँ मैं, और अपने जीवन में तो नित्य ही इसका प्रयोग करता हूँ। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके, यह शब्दानुगमाद्रिते, ऐसा कोई बौद्धक प्रत्यय नहीं, ज्ञान नहीं, व्यवहार साधक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में हेतुभूत प्रत्यय माने ज्ञान नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो।
किसी को हम चुलबुली भाषा में कहते हैं, है कोई माई का लाल चतुर्थी तेरा पारखी, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुभेद हुए बिना एक संकल्प कर ले, एक निश्चय कर ले, गर्व कर ले, एक स्मरण कर ले। है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना संकल्प आदि कर सकता हो? संभव ही नहीं। संस्कार को मैं क्यों जोड़ता हूँ? बचपन की एक घटना से, पलने पर था बाल गोपाल के रूप में, तो एक घटना नित्य होती थी, तीन चार बार चिल्ला पड़ता था। पालन करने वाली माताओं पर क्या प्रभाव पड़ता वो तो वो जाने, लेकिन मुझे पलने का एक स्मरण है। पलने पर था का अर्थ है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल का रहा होगा। पलने पर बच्चे कितने दिन, 6 महीने तक रहते हैं कि 6 महीने का, 4 महीने का रहा होगा। लेकिन स्मरण है मुझे उस समय का, 4-5 काली काली आकृति वाली भयंकर देवियाँ, काली साड़ी पहने हुए, चमकते हुए तलवार का एक साथ मेरे पर प्रयोग कर देती, वार कर देती। मैं चिल्ला पड़ता। अब मेरे चिल्लाने का माता जी पे, बहन जी पे, जो भी पालन करती थी, चाची जी पे क्या प्रभाव पड़ा ये तो मैं नहीं जानता, कभी पूछा भी नहीं। लेकिन चिल्ला पड़ता। एक दिन ऐसी घटना घटी कि फिर, और दिन में 3-4 बार घटना होती, काली काली विकराल सूरत वाली औरत वो काली साड़ी पहने हुए चमकदार तलवार एक साथ बजार देती, मैं आँख मीच के रो पड़ता। एक दिन क्या हुआ, ऐसा ही क्या उन्होंने, फिर खूब हंसा मैं पलने पर ही, और एक दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हुआ, यदि मैं मरने वाला होता तो पहले दिन ही इनके वार से मर गया होता, कट गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो मरने वाला नहीं हूँ। उसके बाद वो दृश्य कभी दिखाई नहीं पड़ा। तो भगवान ने क्या किया, विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, उन देवियों को प्रकट करके जो पूर्व जन्म में श्रवण मनन निधिध्यासन था कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, उसको पलने पर ही अभिव्यक्त करने के लिए मानक बनाया। जब स्मृति आ गई कि मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जैसा जो कटने में आ ही नहीं सकता, उसके बाद वो घटना समाप्त हो गई। इससे मुझे यह भी शिक्षा मिली, कोई प्रतिकूल घटना घटती है तो भगवान की शक्ति जो प्रकृति है उसकी ओर से एक चेतावनी होती है, क्या संभल जाओ। जब व्यक्ति उस गुप्त संकेत को समझ लेता है तो वो घटना शांत हो जाती है। किसी भी घटना को शांत करने का यह मनोविज्ञान है, क्या भगवान पहले प्रकृति को आगे करके छोटे थोड़े से चप्पल लगाते हैं, फिर व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि ये जो घटना घटी है इसके मूल में रहस्य क्या है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आए ठक्कर साहब, बिहार में भी एक दो व्यक्ति ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा, क्षत्रिय कुल के, अरे राम, हमारे व्यक्ति मिलने जाते थे तो 3-3 घंटे प्रतीक्षा, तांत्रिक बन जाए, मांत्रिक बन जाए वो व्यक्ति। और लालू यादव ने एक ऐसा चपेट डाला कि आज तक उठने की स्थिति में नहीं है व्यक्ति, लेकिन आज तक वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका कि ये सब विपत्ति उस पर आई क्यों, अहंकार के कारण, गुमान के कारण, सिद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं तो मांत्रिक तांत्रिक बनने के कारण। तो व्यक्ति विपत्ति पर विपत्ति झेलता है,
प्रकृति जो भगवान की शक्ति है, चपत लगाती जाती है उत्तरोत्तर ऊंची चपत, लेकिन जब तक उसका रहस्य नहीं समझता तब तो विपत्ति के चपेट में पड़ा रहता है। रहस्य समझ जाए तो वो घटना शांत हो जाती है। तो वो जो काली काली देवियाँ थीं, काली साड़ी पहने हुए चमकदार तलवार लेकर वार करती थीं, वो शत्रु सिद्ध हुई या मित्र उपकारक सिद्ध हुई या नहीं? वो घटना नहीं घटती तो पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया था कि देह के नाश से नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, इस गुप्त और सुप्त बोध को प्रकट करने के लिए भगवान ने भय का आलम्बन लिया, भयप्रद घटना का आलम्बन लिया। मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनं च, गीता का 15वां अध्याय। तो अब तक मैंने यह कहा कि शब्द निमित्तक ही भगवान का अवतार होता है। यह जगत भी पूरा शब्दाडम्बर ही है। शब्दाडम्बर के अतिरिक्त अगर जगत है तो क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा ही। ज्ञान स्वरूप आत्मा और शब्द दोनों को मिला दें तब क्या होता है? संकल्प, निश्चय, गर्व, स्मरण। तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना संकल्प, विकल्प, निश्चय, गर्व, स्मरण हो ही नहीं सकता। किसी भी भाषा के इस शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया, शब्दजन्य संस्कार का प्रयोग क्यों किया? अब मान लो 3 महीने का था, 4 महीने का था, वो जो दृश्य हमको दिखाई पड़ता उस समय मेरे पास किस भाषा का आलम्बन था? क्या किसी भी भाषा का? शब्द और शब्दजन्य संस्कार। अच्छा, गर्भ में गर्भोपनिषद का अध्ययन कीजिए, श्रीमद्भागवत के 3वें स्कंध का अध्ययन कीजिए, जातिस्मर हम आप हो जाते न। 9 महीने तक प्रायः माता के गर्भ में मनुष्य रहते हैं, 7-8 महीने में जन्म हो जाए तो बड़े दुबले पतले बीमार रुग्ण होते हैं, पुष्ट तो तब होते हैं जब 10 महीने रहें, लेकिन 6 महीने के बाद में जातिस्मर योगी हम लोग हो जाते हैं। माँ के घर में अनेकों जन्मों की स्मृति प्राप्त होती है। माता की उदर दरी में जो यातना मिलती है उससे क्या होता है? यातना। यातना के प्रभाव से व्यक्ति दिव्य दृष्टि संपन्न हो जाता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्या इस कष्ट की टोकरी से वहाँ तो प्रसन्न होते हैं, जनसंख्या के निरोधक अगर कोई ना हो तो क्या 2 महीने का गर्भ, 1 महीने का गर्भ, 4 महीने का गर्भ, आदित्य जी से पूछो तो कहता है कि अक्टूबर में आएगा मेरा लाला, पेट में अभी उसके पत्नी के गर्भ में उसका लाला। ये ठीक है, उस बच्चे पर क्या बीतती है वो तो बोलिए क्या। और रोना भी जीवन में अच्छा है या नहीं? जो बच्चे रोते हुए जन्म नहीं लेते बुद्धि से पंगु होते हैं। रोते हुए जन्म लेना जो है विकसित बुद्धि का द्योतक है। हमारे पूर्वाचार्य महाराज कहते थे सबकी मातृभाषा रोना है। बढ़िया है या नहीं? सबकी मातृभाषा क्या है? रोना। माँ के गर्भ से मातृभाषा, माँ के गर्भ से जन्म लेते हुए रोता है, रोता हुआ जन्म लेता है तो कहते सबकी मातृभाषा रोना ही है भाई, कुछ भी कर लो है रोना ही रोना। बढ़िया, सबकी मातृभाषा रोना है। तो गर्भ में व्यक्ति जो प्रार्थना करता है सैकड़ों जन्मों की स्मृति आती है, तब वो प्रतिज्ञा करता है प्रभो इस उदर दरी से बाहर कर दो, कल कुशल स्वस्थ जन्म ले लूँ तो बस इस जीवन में तो आगे जो जन्म होना है आपका भजन ही करूँगा। मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च, लेकिन जन्म के बाद
वो प्रतिज्ञा, वो रुदन, वो वेदना सब शांत। फिर हाँ, माता पिता भी क्या भले ही आस्तिक हो, व्यवहार तो 99% प्रायः देहात्म भाव से भावित ही होता है। अब उसको 99% को आत्मभाव से भावित कर लें, 1% देहात्मभाव से, फिर सब का सब व्यवहार आत्मभाव से भावित। तो इसके लिए बहुत परिश्रम चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो जब कोई बच्चा आता है तो शरीर का प्रभाव पड़ता है या नहीं? बुद्धि की अभिव्यक्ति में, अंतःकरण की अभिव्यक्ति में, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति में क्या शरीर का प्रभाव पड़ता है? बच्चे की बुद्धि बच्चे जैसे, वृद्ध की बुद्धि फिर वृद्ध जैसे, युवक की बुद्धि युवक जैसी। शरीर अभिव्यंजक संस्थान है, लेकिन माता पिता इतने विमोहित होते हैं, मानो यह लाला जो आया है पहली बार संसार में आया है, जानता ही क्या है, दुधमुहा है। अब ये लाली जो आई है पहली बार ही तो आई है, वह सब देहात्मवादी होकर ही पालन पोषण करते हैं माता पिता। मैं छत पे घूमता था पहले, बंदर नहीं थे, जब वृक्ष नहीं थे तब बंदर नहीं थे, ये सब बाग लगाए गए तो बंदर भी आ गए। और घुटने में दर्द, फिर ये पढ़ने लिखने की व्यस्तता, ये सब घूमना फिरना सब बंद है। तो पड़ोसी के यहाँ उधर नंद परिवार होगा ब्रह्म, कोई पड़ोसी यहाँ से संपर्क नहीं रखते, सब प्राय अपने अपने मस्त हैं। कोई भी बीना जी का वो पोता कभी कभी साल में एक दो बार दिख जाता, नहीं तो वो सब अपने सब मठ की ज़मीन में बसे हुए हैं ना, उन सबको अंदर डर रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर उन सबको बहुत कष्ट है कि ऐसा कोई शंकराचार्य आ जाएगा, कल्पना नहीं थी, नहीं तो ये सब भी घेर लेता, घेर ही लेते वो लोग, बहुत कष्ट भी अंदर की कम घेर पाया। तो एक पड़ोसी नंद के यहाँ कोई लाला हुआ होगा, 5 साल का था, तो वो सिखावे ये घर का पालतू कुत्ता है, अपनी भाषा में उड़िया भाषा, बाहर से कोई कुत्ता आ जाए डंडा दे दें उसको मारो, अपने कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ दो। हम मुस्कुरावे, देखो वो तो जन्म जन्मांतर का जीवत्व लेके ही जन्म ले लिया है बच्चे ने, उसको फिर जीवत्व के प्रशिक्षण चक्रवृद्धि ब्याज से कि अपना कुत्ता है क्या, ये पड़ोसी का कुत्ता है, हाँ उसके घर में गाय भी बाहर से बच्ची आ जाए तो डंडा ले के बच्चा भगता मारने के लिए, अपनी गाय है अपनी बच्चिया है पराए, माने प्रशिक्षित व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। करोड़ों जन्मों से जीवत्व का प्रशिक्षण लेके आया, माता पिता को इतना व्यापो होता न जाने, अभी जो लाला आया है कितने बार हमारे पिता रहा होगा, अभी जो लाली आई है न जाने कितने बार हमारी माता रही होगी, कुछ भी ध्यान नहीं, ये माया है वो है या नहीं। तब ने यह कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब के सब क्या हैं? आत्मा ही हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ शब्द जुड़ जाए तो क्या होता है? संकल्प विकल्प निश्चय, शब्द शब्द को काट लें तो क्या रह जाएगा? ज्ञान। यह मैंने कहा था, मैं समझता हूँ दिल्ली में एक अधिवेशन सर्ववेद शाखा सम्मेलन हो रहा था, वहाँ मैंने कहा था, शंकराचार्य पद पर नहीं था, पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे, इतने प्रसन्न हुए कि उनके गले में जितनी माला थी सब डाल दी उन्होंने। कई बार ऐसे घटना हुए, कई बार ऐसी घटना हुई है, तो हमने संकेत किया या क्या अर्थ है, मन भी आत्मा है, बुद्धि भी आत्मा है, चित्त भी आत्मा है, अहम भी आत्मा है, केवल शब्द उसके साथ जुड़ गया है, शब्द को खींच लें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, तो संकल्प ऋण शब्द बराबर ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, क्षेत्रज्ञ ऋण क्षेत्र तो क्या रह गया, ज्ञों ज्ञप्ति मात्र आत्मा, यही है। तो ये जगत भी क्या है? संकल्प का परिणाम है। संकल्प क्या है? ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप, ये सूक्ष्म रूप
निकल गया हमारे तो गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से रग रग में दर्शन साथ समाया हुआ, यह कहा। तो साप पर चल रहा था, साप और वरदान दोनों ही शब्द हैं। तो भगवान के अवतार के मुख्य इदमित्थम हेतु क्या सिद्ध हुए? शब्द, साप भी शब्द है, वरदान भी शब्द है, शब्द निमित्तक भगवान का अवतार होता है। अब इसको कहाँ ले जाएंगे? गोपाल उत्तर तापनीय पर, ज्ञानोपादानक शब्द निमित्तक भगवान का अवतार है। ज्ञानोपादानक शब्द निमित्तक भगवान का अवतार है, ठीक। फिर क्या होगा? जगत क्या है? ज्ञानोपादानक शब्द निमित्तक जगत है। कहाँ से? गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद से। प्रकृति के स्थान पर शीतोपनिषद में, गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में, तापनीयोपनिषद में, या तापनी उपनिषद भी कहते, तापनीयोपनिषद भी। तापनी में क्या लिखा है? ये जो प्रकृति है, माया है जिसको कहते हैं, यही ओम है, शब्द ब्रह्म ही है। प्रणव में और प्रकृति में एक रूपता सिद्ध की गई है, किसमें? शीतोपनिषद में, गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद में। इतना मैंने यह कहा कि शाप भी शब्द ही है, वरदान भी शब्द भी है। शब्द निमित्तक ही उत्कर्ष है, शब्द निमित्तक ही अपकर्ष है। शब्द का प्रलाप कर देने पर उत्कर्ष अपकर्ष सृष्टि कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म तत्व ही सिद्ध होता है। जैसे कि संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण से शब्द का प्रलाप कर लेंगे तो ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व ही सिद्ध होगा। इसी को त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड, त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड की दृष्टि से कहें तो, योग वाशिष्ठ की दृष्टि से कहें तो, अच्छा बच्चा रो रहा था क्या कहेंगे फिर? मननी शक्ति से युक्त जो आत्मा है उसी का नाम मन है। मननी शक्ति रहित जो मन है उसी का नाम आत्मा है। वो प्रक्रिया लंबी होती है, पंचीकृत पंच महाभूत अहम तत्व ये सब बहुत प्रबुद्धों के लिए बहुत संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। क्या? मननी शक्ति युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति रहित मन का नाम आत्मा है। तीन शब्दों में ही मांडुकिकारिका में सारी प्रक्रिया दे गई। तीन शब्द कौन है? चित्त स्वरूप आत्मा है, चित्त तो संयुक्त वासना युक्त शब्द का नाम चित्त है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ वासना युक्त शब्द जुड़ जाए तो चित्त हो जाता है। चित्त का विषय कौन हो गया? चैत्य। वह तीन में सारा संसार आ गया। चैत्य, चैत्य दृश्य प्रपंच की आहुति देना छोड़ दें तो चित्त, चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र आत्मा स्वरूप होकर शेष रहता है। चलो ये तो दर्शन हुआ। यज्ञाते तो उदिते पुत्रौ दैत्यदानववंदितौ हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठौ हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः दैत्यदानववंदितौ। मैनपुरी में एक वकील कुछ तनाव के कारण विक्षिप्त हो गए थे, तो लेकिन बोलते थे बिल्कुल वकालत वाली भाषा में। मान लो कि वकील विक्षिप्त भी हो जाए तो कौन सी भाषा में बोलेगा? वकालत की भाषा में बोलेगा। तो वो तो आपका नाम क्या है? ब्रह्मचारी जी, बोलिए कागज कलम लेके ना। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई विपत्ति तो नहीं है? केस लड़ूं आपकी ओर से? सच्ची घटना है, बनावटी नहीं, ब्राह्मण थे।
तो यह है, इसका अर्थ क्या है, ऊंचे पद कहाँ से, जय विजय। प्रमाद कितना होता है, प्रमादो वही मृत्यु हो। उपनिषद का वचन है, सनत सजातीय पर्व है महाभारत में, प्रमाद प्रमा यथार्थ ज्ञान विवेक का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद, वही मृत्यु है। सामने वाले जो आए सनंदनादि उनको क्या समझ लिया, पाँच छः साल के थे, लिखा इसमें लिखा ही है, पंच षड्वायनार भा भा, उनकी जो आभा थी, पाँच छः साल के बालकों के समान दिखते थे, देखत बालक बहुकालीना, तो ये भगवान विष्णु से मिलने जा रहा है, बच्चा ही है। अब कहीं बच्चा है वहाँ पर नाचने लग जाए, कल्पना करो मलमूत्र का त्याग ही न कर दे, कि बच्चा क्या करेगा भगवान से मिलकर। हाँ, कोई पाँच छः साल का बच्चा आ जाए कहे कि हम शंकराचार्य से मिलना चाहेंगे, तो कोई माता पिता भी साथ में नहीं, यही समझा ना। प्रवेश वर्जित, बस वो तो बच्चे तो दिखते थे, बच्चा थे, क्रोध आ गया, शाप दे दिया, ये है। तो थे कौन ये, जय विजय, भगवान के पार्षद, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक का भी सबसे ऊर्ध्व स्थान, या ब्रह्मलोक से भी बहुत ऊपर स्थान, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद, वहाँ वो भी भगवान के द्वारपाल थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो गिर पड़े शाप के वशीभूत होकर। तो वहाँ देवताओं के बंद थे या नहीं, जब देवराज इंद्र भी देवताओं के बंद होते हैं, सप्तर्षि उनकी परिक्रमा करते हैं, किनकी, देवराज इंद्र की। अर्जुन जब कभी अपने पिता के यहाँ, किसके यहाँ, वनवास के समय में 5 साल तो इंद्र के पास ही रहे, तो अपने इंद्र अपने बगल में बैठा लेते थे बालक समझ के, मर्त लोग के शरीर से अर्जुन को। नर ऋषि भावापन इंद्रावतार थे, कौन, अर्जुन, कुंती सामान्य व्यक्ति थी, महिला के अदेव जी साक्षात इंद्र को प्राप्त किया था पुत्र के रूप में, नर ऋषि भावापन इंद्र बेटा के रूप में आए थे। उस समय वो सप्तर्षि इत्यादि यशोगान करते थे, क्या अब जो कलेक्टर है कमिश्नर है अपने बच्चे को अपने पास बैठा ले, तो उस समय जो जो आएंगे उससे छोटे ऑफिसर सब क्या स्तुति करेंगे कलेक्टर की, लेकिन बच्चा तो अपने बगल में बैठा रहेगा, तो बच्चा ही है यह। तो इतना बड़े पद से गिरे, तो इसलिए कहा दिति के पुत्र हुए, पतिव्रता माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, कश्यप जी के द्वारा उत्पन्न हुए। बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था, छोटे का नाम था हिरण्याक्ष, हिरण्य 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 माने सोना, कशिपु माने पलंग। बढ़िया एकदम पलंग, सोने का हो, धन के प्रति किंग करता, कामक क्रोध लोभ हो गए ना, लोभ की प्रधानता से एक अवतार है, काम की प्रधानता से एक अवतार है, क्रोध की प्रधानता से एक अवतार है, जय विजय के 3 अवतार हो गए ना जन्म। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव है, और गीता के 16वें अध्याय में अनियंत्रित काम क्रोध लोभ ही तो व्यक्ति को असुर बना देता है ना, धनमान मदान्वित व्यक्ति जब हो जाता है तो असुर हो जाता है। पहले क्या हुए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, फिर क्या हो गए, रावण कुंभकर्ण, फिर क्या हो गए, दंत भक्त शिशुपाल। तो लोभ की प्रधानता, काम की प्रधानता, क्रोध की प्रधानता, अनियंत्रित लोभ क्रोध काम, अनियंत्रित लोभ काम क्रोध यह क्या करता है, व्यक्ति को असुर बना देता है, दानव बना देता है। हिरण्य अक्ष,
हिरण्य सरीखे चमकीले अक्ष वाले और जिनकी आंखों के सामने सुवर्ण ही नाचे, यह। और इसका अर्थ ये भी है कि भव्य बपू में थे, शरीर विग्रह में थे, सर्वश्रेष्ठ थे, किन्हीं दैत्य दानव वंदित, ये है, दैत्य भी दानव भी, दिति और दनु, ये मातृ प्रधान नाम है, दैत्य दानव। दैत्य माने दिति की परंपरा में साक्षात या परंपरा में जिसका जन्म हुआ हो, दैत्य, और धनु की परंपरा में जिसका जन्म हुआ, पितृ प्रधान नाम नहीं है, मातृ प्रधान नाम है, कौशल्या, कौशलेय, ये सुमित्रा, ये सब माँ के नाम हैं, सौमित्रे, अच्छा कौन्तेय, पार्थ, ये सब मातृ प्रधान नाम है। कुंती के पुत्र हो गए, कुंती के बचपन का नाम था पृथा, पृथा नंदन हो गए तो पार्थ, कुंती नंदन हो गए तो कौन्तेय, यह मातृ प्रधान नाम भी चलता है। पिता के प्रधानता से भी नाम चलता है, राघव, रघु की वंश, रघु की परंपरा में हो गए तो राघव, ऐसे ही दोनों प्रकार के नाम होते हैं, पितृ प्रधान, मातृ प्रधान। मातृ प्रधान नाम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी मनोविज्ञान है। पिता तो कौन थे, कश्यप ऋषि ही, लेकिन पिता का प्रभाव कम पड़ता है, माता का प्रभाव अधिक पड़ जाता है, तो दैत्य दानवों के भी वंद्य थे। दिति के पुत्र होने पर भी दानव भी उसको, बहन थी ना दिति, ये सब धनु, लेकिन वो सब के सब श्रेष्ठ, ऊपर से जो गिरेगा वो जहाँ रहेगा वहाँ तेजस्वी होगा। क्या हनुमान जी ने रावण के स्वरूप को देखा बहुत सूक्ष्मता से, जब उसके दरबार में उपस्थित किए गए, पेश किए गए, तो विचार किया वाल्मीकि रामायण, ओहो, पर स्त्री के अपहरण की भावना इसमें न होती तो इसके समान तेजस्वी तीन लोक में कौन होता। तो उच्च पद से गिरा हुआ व्यक्ति में का बहुत से ऐसे क्या होते हैं, गुण होते हैं जो दिव्य होते हैं, तो असुर बने हुए व्यक्ति में भी देखना चाहिए कि इसमें जो तेजस्विता है, सबको अपने वश में करने की क्षमता है, किसी न किसी प्रमाद के कारण ये गिरा है, वास्तव में उस दिव्यता का भी ध्यान देना चाहिए। लालू जी ये सब सुन लें, बहुत से लालू हैं देश में इसका अर्थ क्या हुआ, व्यक्ति बर्बर होता है, उसमें पराक्रम की क्षमता ये सब होती है, तो जो भी दिव्य गुण होते हैं, दिव्य गुण, समझना चाहिए कि पुण्य के फलस्वरूप हैं। कोई प्रमाद हो जाता है जीव से तो क्या है, प्रमाद हो जाता है तो च्युत हो जाता है, लेकिन उसके जीवन में जो च्युत होने पर भी दिव्यता रहती है, उस दिव्यता के मूल में वही पुण्य ही काम करता है। कर्मोपासना के फलस्वरूप कितना ऊंचा कर्म होगा, पुण्य होगा, कितना ऊंचा उपासना का बल होगा कि वो भगवान के पार्षद बन गए, सामान्य तो नहीं होंगे। तो शापित होने पर भी उनकी ओजस्विता, तेजस्विता, प्रगल्भता, मेधा शक्ति, पराक्रम, प्राण शक्ति, प्रज्ञा शक्ति ऐसी थी कि वो सबके पूज्य हो गए, वंद्य हो गए। हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम वपुः। भगवान क्या है, करुणा वरुणालय है। जय विजय के तो तीन जन्म हुए, भगवान के चार जन्म हो गए अवतार, क्या
कौन कौन? वराह बापू, शौकर बापू, नृसिम्हावतार, दो भाई को मारने के लिए अलग अवतार लिया, फिर रामावतार हो गया, फिर कृष्णावतार हुआ। इसका अर्थ क्या है? भक्त वत्सल भगवान, मारना भी तारना है यानी साप का उद्धार हुआ यानी साप के उद्धार के लिए अपना भक्त गिर पड़ा, तो उद्धार कैसे करेंगे? अब उद्धार कैसे करेंगे? बड़ी विचित्र बात। तो भगवान ने क्या किया? वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, और नृसिम्हावतार का धारण करके हिरण्यकश्यपु को मारा। नृसिम्ह ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा था उसके अनुसार, न नर से मरूँ न सिंह से बन मरूँ, न दिन में मरूँ न रात में मरूँ, न उत्तरायण में मरूँ न दक्षिणायण में मरूँ, न अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से बनूँ मरूँ। बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने सोच लिया है तो मरने का अपना वरदान मांग रहा है या न मरने का, संधि में ये मारा जाएगा। नर से भी नहीं और सिंह से भी नहीं, तो नरसिंह रूप लो जी, न पूरा वजन नर का न सिंह का, फिर क्या है? पुरुषोत्तम मास में मरेगा, फिर क्या है? संध्या की बेला में, न दिन में न रात्रि में, फिर नाखून से न अस्त्र से न शस्त्र से, न अंतरिक्ष में न नीचे जंघे पर बैठ लेटा के मारेंगे। क्या सब में संधि में व्यक्ति मारा ही जाता है, संधि में, क्या ताशकंद वार्ता की तरह संधि में मारा जाता है, संधि में। अब दो को मानते हैं तो बीच बीच चीज तो माननी पड़ेगी ना, विभाजक रेखा कैसे होगी? ये पाकिस्तान की सीमा या भारत की सीमा है तो दो देशों में बंटवारा होगा, तो बीच में कोई विभाजक रेखा होगी या नहीं? इसीलिए नृसिंह बहुत बढ़िया, ये जो चित्सुखी नामक ग्रंथ है उसका मंगलाचरण बहुत दिव्य है। कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कटपात्र भाभा कहते थे, प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, अरे किसके बल पर गरजता है? पिताजी प्रणाम, परमात्मा के बल पर गरजता हूँ। अच्छा, तेरा परमात्मा कहाँ है? पिताजी कहाँ नहीं है, सब जगह। कौन है कौन नहीं है? सर्वरूप है। बच्चे ने, किसने? प्रहलाद ने प्रतिज्ञा कर दी। अब व्याकरण और न्याय के दृष्टि से पंचावयव वाक्य, भगवान सर्वरूप है, अब पंचावयव वाक्य साध्य, ये सब पक्ष साध्य हेतु आदि को लेकर, निगमन आदि को लेकर भगवान ने सोचा प्रतिज्ञा की, किसने? प्रहलाद ने। पूर्ण कौन करो? मैं। प्रतिज्ञा किसने की? भीष्म जी ने। आज हों हरिशों शस्त्र न गहम तो लाजू, गंगा माता को संतन सुख न कहूँ, सुत न कहूँ। एक भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली तो हाँ, बहुत विचित्र बात। अब अर्जुन के सामने जब द्रोणाचार्य आ जाते या भीष्म जी आ जाते युद्ध में, तो लिखा है महाभारत में मृद युद्ध करते थे। ये गुरुदेव हैं, ये पितामह हैं, तीखे बाणों का प्रयोग नहीं कर, मृद युद्ध। तब अर्जुन को ताव कैसे आता था? तो सारथी जो श्री कृष्ण बने थे, श्री कृष्ण थे, उनको तीक्ष्ण बाण से जब भीष्म जी विद्ध कर देते थे तब अर्जुन को ताव आता था। मेरे देखते देखते मेरे भगवान को मारेगा, तो दो चार बाण तीखे छोड़ देते थे। और
अर्जुन पर जब तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया तो भगवान को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मेरे देखते देखते मेरा लाडला प्यारा अर्जुन मारा जाएगा। भगवान अब देखा न तब उतर गए और जो युद्ध में चक्के थे रथ आदि के वही ले लिया, वो मारने के लिए दौड़े। गीता प्रश्न अच्छा चित्र प्रकाशित किया, अर्जुन रथ से उतर करके पीछे से ऐसे थाम लिया, महाराज अपनी प्रतिज्ञा, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। भगवान अर्जुन को घसीट, माने इतने दौर से अर्जुन घसीटे जा रहे थे, अब वहाँ भीष्म जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे, वाह वाह मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भक्तवत्सल भगवान। इसीलिए क्या कहा, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर में अंग्रेजी में, और सब भूल गया व्याकरण, मेरा अंग्रेजी का व्याकरण बहुत सधा हुआ था तो हिंदी का तो था ही। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन कौन्तेय तू मेरी ओर से प्रतिज्ञा कर, न मे भक्त प्रणश्यति, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो यूँ कह कि मेरे भगवान का नाश, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानी ही, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या नहीं, मेरी ओर से तू प्रतिज्ञा कर दे कि भगवत भक्त का, भगवान के भक्त का प्रणाश नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानी है, न मे भक्त प्रणश्यति, न मे भक्त प्रणश्यति, क्या है ये डायरेक्ट स्पीच है या नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, न मे को क्या कह देंगे, भगवान के भक्त का प्रणाश विनाश नहीं होता, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो काफ़ी प्रतिज्ञा कर दीजिए, अरे मेरी प्रतिज्ञा तो ढुलमुल हो जाएगी, आगे भीष्म जी ढुलमुल कर देंगे, तू प्रतिज्ञा करेगा तो भक्त का की प्रतिज्ञा को, प्रतिज्ञा करते थे अर्जुन, पूर्ण कौन करते थे, श्री कृष्ण भगवान। एक भी प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध में नहीं जो अर्जुन ने अपने बलबूते पर पूर्ण की हो, सब में भगवान प्रतिज्ञा कर लेते थे। एक द्वारका में गए, ये क्या बात है, ब्राह्मण के बच्चे मर गए, राजा का दोष होगा तो प्रजा में ये सब उपद्रव होता है, अंत में कैसे अर्जुन उस बच्चे को मरे हुए को जला देते, भगवान ने ऐसे ही प्रतिज्ञा अर्जुन करते थे, पूर्ण कौन करते थे, भगवान। भगवान प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो पूर्ण कौन कर देते हैं उनकी ओर से, भक्त, चलता रहता है दोनों में। इसीलिए यहाँ पर है, हतो हिरण्यकशिपु हरिणा सिंह रूपिणा, तो भगवान हो गए, हे प्रहलाद तुम्हारा भगवान कहाँ है जिसके बाद पर तू गरजता है, पिताजी कहाँ नहीं है, अच्छा कैसा है कैसा नहीं है, सर्वरूप है सर्वत्र है, इन दोनों प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए क्या किया भगवान ने, इस खंभे में है, हाँ वहाँ से प्रकट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ। स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे लकड़ी के खंभे थे, उस समय मकान लकड़ी के बनते थे, पत्थर उत्थर के नहीं थे, स्तंभ से प्रकट हो गए, स्तंभ खंभे से, और दो रूपों में प्रकट हुए भगवान, कौन कौन रूप, नर और सिंह, नरसिंह माने नमूना है, मैं नर भी हूँ सिंह हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ, मैं सर्वरूप हूँ, मैं सर्वरूप हूँ और सर्वत्र हूँ, भगवान सर्वत्र हैं सर्वरूप हैं। इन दोनों प्रतिज्ञाओं की सिद्धि के लिए क्या हुआ, भगवान खंभे से स्तंभ से प्रकट हो गए, और क्या हो गए, एक साथ ही आधा बप ऊपर का सिंह जैसा नीचे का नर जैसा नरसिंह, नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए,
और सूकर का रूप धारण कर लिया वन वराह, ये जो कुश होते हैं, कुशोत्पाटनी अमावस्या थी यानी कुश जो होते हैं भगवान यज्ञ वराह, यज्ञ वराह के अंग के विन्यास से जो रोएं गिरे उन्हीं से कुश का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए चैलाजिन कुशोत्परम गीता कैसा आसन होना चाहिए, चैलाजिन कुशोत्तरम पुरुष ब्राह्मण आदि के लिए क्या है, चैलाजिन कुशोत्तरम चैल अजिन कुश, चैल अजिन कुश पलट देंगे तो कैसा हो जाएगा, चैल अजिन कुश, चैल अजिन कुश, कुश फिर बीच में चर्म फिर ऊपर वस्त्र, तीनों क्या है, बैड कंडक्ट गुड कंडक्ट होता है या नहीं, एक तमोगुण का निरोधक, एक रजोगुण का निरोधक, एक मलिन सत्व गुण का निरोधक। ये पृथ्वी में जो तीनों प्रकार की शक्ति है उसके निरोध के लिए चैलाजिन कुशोत्तरम आसन का भी विधान है, कुश का आसन। तामस योनियां जो हैं, तामस प्रभाव जो हैं उनसे बचने के लिए, राजस से बचने के लिए अजिन, और मलिन सत्व से बचने के लिए वस्त्र चैलाजिन कुशोत्तरम। इसका मतलब आसन का भी प्रभाव पड़ता है, आसन ऐसा होना चाहिए जो मल विक्षेप आदि का क्या हो, अवरोधक हो, आसन पर का भी प्रभाव पड़ता है। चैलाजिन कुशोत्तरम कुश अजिन मृगचर्म और चैल माने वस्त्र, ऐसे चैलाजिन कुशोत्तरम चैल अजिन कुश क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुश अजिन चैल, इसमें भी दर्शन है विज्ञान है। तो फिर क्या साढ़े छः तक प्रवचन होता है ना, साढ़े छः तक, हाँ हाँ। तो हिरण्यकश्यप हरिणा सिंह रूपिणा सिंह रूप होकर नृसिंह रूप हिरण्याक्षो धरोद्धारे विव्रता सौकरम वपुः, पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान ने सौकर वराह यज्ञ वराह रूप का धारण किया और उसको मार डाला। यह तो इसका अर्थ होता है भगवान जो हैं भक्तवत्सल अपने शापित भक्त के उद्धार के लिए वराह भी बन जाते हैं, सिंह भी बन जाते हैं, नरसिंह। ये जो गद्दी है ना पद्मपादाचार्य महाभाग की गद्दी है, उनको नृसिंह भगवान सिद्ध थे, नृसिंह भगवान नृसिंह की गद्दी है, नृसिंह की पद्मपादाचार्य को भगवान नृसिंह दर्शन ही नहीं देते थे, समय समय पर पद्मपादाचार्य नृसिंह ही हो जाते, भगवान शंकराचार्य स्तुति करने लगते थे, उनके जीवन चरित में है ना। जब पद्मपादाचार्य नृसिंह हो जाते थे तो भगवान शंकराचार्य नृसिंह बुद्धि से ही उनकी उनकी स्तुति करते थे, शिष्य भी कैसे थे नृसिंह, ये नहीं कि प्रकट कर दें, नृसिंह हो जाते थे, फिर पद्मपादाचार्य के आँख कान कुछ नहीं, नृसिंह रूप में ही दिखते थे, ऐसा माने जीवन काल में ही सायुज्य मोक्ष अवसर आने पर नृसिंह ही हो जाते थे। ये एक आया व्यक्ति कापालिक भगवान शंकराचार्य जी से एकांत में बोला, महाराज ब्राह्मण परिव्राजक फिर ब्राह्मणिष्ठ आप हैं, मैं भद्रकाली और किनके भैरव जी का उपासक हूँ, आपका सिर अगर मिल जाए तो जल्दी सिद्धि हो जाए, आपको तो शरीर से लेना देना नहीं क्या बाहर प्रसिद्धि हो जाए ना त्यागी की तो लोग उसका खूब लाभ उठाते हैं।
दयानंद थे ना सिविल सर्जन मुजफ्फरनगर, वो हमारा जब मैं शंकराचार्य नहीं था तब की बात है, वो रामसुखदास जी से प्रभावित थे, स्वामी रामसुखदास जी। गीता प्रेस वालों के त्याग बड़े विचित्र होते हैं। श्री रामसुखदास जी को कोई रुपया नहीं चढ़ा सकता था, बिल्कुल नहीं, इसलिए बहुत प्रसिद्धि उनकी थी। लेकिन अगर रामस नहीं संप्रदाय के लिए महाराज कुछ भेंट करना चाहता हूँ तो फिर वो संकेत करता था 10,000 उन दिनों उनसे संपर्क कर, 10 रुपया कोई चढ़ाएगा तो बस उसको पिटाई होगी साथ वालों के द्वारा। हाँ, अपने ढंग होते हैं भाई। अपने लिए भी लिया नहीं, संस्था के लिए लिया, और छोटी रकम भी नहीं, कम से कम उन दिनों 5-10, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख देखो, और बढ़िया क्या, रोटी वोटी कोई देने अब मत लो, हलवा दे जाए तो चुपके से। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, एक महात्मा की प्रसिद्धि थी कि जो कुछ लाता है धनवान लेते नहीं, छू देते वो ले जाता है। एक बड़ा कंजूस था, धनी खूब था, उसने सोचा कि दानवीरों में नाम भी आ जाए, खूब सोना ये सब लेके जाऊं। आके निवेदन किया, महाराज ने छू के संकेत किया अपने चेले को, ले जा कमरे में। महाराज, हाँ क्या बात है? मैंने तो आपकी यह शोहरत सुनी थी। हाँ सुनी थी। फिर अब तुम्हें मारा गया, मेरे पास जितने सोना था सब भेंट कर, छोटी रकम पर हम दृष्टि नहीं डालते भाई, बड़े आदमी हैं। तो क्या हो गया? तो ये है कि रामसुखदास जी महाराज बहुत अच्छे थे, परंतु संस्था राम क्या था, रामस नहीं संप्रदाय के थे, उसका बहुत पोषण उन्होंने किया, अपने लिए कुछ नहीं, और कार्यक्रम भी बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से चलाते थे। गर्मी के दिनों में कहाँ रहते थे, ऋषिकेश में, स्वर्गाश्रम में, ठीक है, और सर्दी के दिनों में ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर गर्मी होते हों, 12 महीने त्याग भी बना रहता था, क्षेत्र का अपना चयन, ये सब भृगु जी के लिए बहुत अच्छा। जीवन ऐसा डाला था तो हो गया, समय भी हो गया, तो हमने क्या कहा। डॉक्टर की बता रहे थे मुझे। हाँ, तो वही तो हमारी इतनी प्रसिद्धि कर दी। दंडी स्वामी जो निश्चलानंद है ना, बिल्कुल 1 रुपया भी चढ़ाएंगे तो महाराज को कष्ट होगा। और ये, और हमारे पास 700 रुपया भी साल में नहीं होते थे कि इनको 2 रुपया मुश्किल से जेब खर्च दे पाते थे। उधर एक सोम थे, एक ये थे, खर्चा तो था लेकिन आमदनी कहीं से नहीं, मांगने वाला कहीं से नहीं। अब हमारे पास आके क्या कहते थे, महाराज वहाँ आपके प्रवचन का आयोजन रखा है, बहुत प्रशंसा आपके त्याग की कर दी है, वो लोग कुछ भेंट भी करें तो लीजिएगा, नहीं छू दीजिएगा, फल की टोकरी भी लावें तो केवल स्पर्श कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे नाक कट जाएगी। और रामसुखदास जी से प्रभावित थे। इतनी प्रशंसा हमने की आपके त्याग की, कहीं मेरे नाम बताने लग जाए। लो जी, 15 दिन प्रवचन कराया, 10 दिन प्रवचन कराया, आने जाने किराया भी मुजफ्फरनगर से वहाँ तक मिले या ना मिले, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये क्या हुआ? वो बीच में माध्यम किसने बनाया था, अपने आप बन गए थे। तो उनको ये ध्यान नहीं था, त्यागी हो तपस्वी हो, लेकिन व्यक्ति का अपना भी क्या, उसके साथ पुस्तक खरीदने हैं, ये खरीदने हैं, तो त्याग तप का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए ना। ये है, यहाँ पर
हतो हिरण्यकश्यप हिरण्य हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्ष धरोद्धार्य विभ्रता सौकरम वपु। पृथ्वी का उद्धार करने गए तो भगवान को वराह का रूप धारण करना पड़ा। इसका अर्थ है भगवान इतने भक्त वत्सल होते हैं, नृसिंह भी बन जाते हैं, वराह भी बन जाते हैं, तो ये जो गद्दी है नृसिंह भगवान की पद्मपादाचार्य की गद्दी है। यहाँ वो अभय सर्राफ जी देखा कितने बहुत शरीर क्षीण हो गया है, वो लोग हमसे बहुत घबराते हैं और बहुत शीलवान भी हैं कि ये तो यहाँ जो गद्दी पर बैठता अत्यंत उग्र हो जाता है, उन लोगों की यही प्रसिद्धि बड़े डरे डरे व्यवहार करते हैं हमसे, इस गद्दी पर जो बैठता है बड़ा उग्र हो जाता है। अब वो क्या कह रहे थे, ये है क्या कौन महापात्र, सुरेश महापात्र, वो दिन वो लंबे बाल वाले महानुभाव, तो इधर क्या उनके मोबाइल पर लोग कह रहे थे कहीं शंकराचार्य की त्योरी चर के ज़्यादा बोलते हैं तो डांट वाँटना नहीं शंकराचार्य, ये भी गुनगुन हो रहा था उधर श्रोताओं में हमें पता नहीं कितना महान व्यक्ति है, बच्चा बच्चा जानते हैं, हम समझते क्या है क्या है कि भीष्म जी जो थे ना, भीष्म जी जिस पुरुष के श्रृंगार देवियों जैसे हों उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। ब्रह्म हाँ, तो अपने मरने का वानक उन्होंने यही कहा था युधिष्ठिर, किसके द्वारा मैं गिराया जाऊंगा ये नहीं बताता हूँ, नाम तुम ढूंढ लोगे, व्यक्ति ढूंढ लोगे, स्त्री से जो पुरुष हुआ हो, जिसका नाम स्त्रियों जैसा हो, जिसका श्रृंगार स्त्रियों जैसा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर देना, उस पर वार नहीं करूँगा, वो योद्धा होना चाहिए, लेकिन उसकी ओट में अर्जुन मुझे बींध डाले तो युद्ध करने योग्य नहीं रह जाऊँगा, धराशाही हो जाऊँगा। तो क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सौकर बपू भगवान ने धारण किया, भक्त वत्सल भगवान अपने जय विजय के उद्धार के लिए सिंह भी बन गए, शुकर भी बन गए, नरसिंह में नर नहीं है, पादपूर्ति के लिए सिंह। नारायण श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गोहत्या, भारत हर हर महादेव।